हेलो दोस्तों, लोग कैसे? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो देखिए, तो मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर आया है रिपेयर होने के लिए, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग का कोई भी मतलब इस जगह पर डेट है, ठीक है। इस पर हम लोग का कोई भी, सिर्फ हम लोग का इस जगह पर चार्ज हो रहा है। तो कस्टमर ने बोला ये हम लोग का चार्ज हो रहा है, कि हम लोग का ये हम लोग का ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चार्ज दे के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इस जगह पर, देखिए तो मैं चलिए इस जगह पर, देखिए इस जगह पर लाइट ग्लो हो चुका है, ठीक है। इस पर हम लोग का मतलब ये हम लोग का ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए ऑन पे ही स्विच है इस जगह पे, ठीक है। देखिए तो ये हम लोग का ऑन पे ही स्विच है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करना सिखाएंगे, आप आसानी से रिपेयर कर भी सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख के। तो चलिए दोस्तों, इसके सबसे पहले देखिए, तो ये हम लोग का देखिए ऑन, तो देखिए इस जगह पर मैं चार्जिंग दे रहा हूँ, तो हम लोग का चार्ज पे भी ऑन होता है, ठीक है। इस पर हम लोग का चार्ज देने पर भी ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस जगह पर आपको दिखा दिया। चलिए तो अब इसकी वजह सबसे पहले देखिए, ये हम लोग का ऊपर के साइड से खुलेगा, ठीक है। तो कहाँ से खुलेगा वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए कहाँ से खुलेगा, इस साइड। हाँ ठीक है, देखिए तो मैं कैसे खोल रहा हूँ आपको। यदि ऐसे रहे तो आप अलग अलग देखिए, तो इसको ना अलग अलग मॉड्यूल, सॉरी बोलते हैं मॉडल इसको रहता है, ठीक है। इसका अलग अलग मॉडल रह सकता है, तो वो आपको देख लेना है, ठीक, कोई बात नहीं। तो इस जगह पे स्क्रू दिया गया है, इसको स्क्रू को खोलना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए छह स्क्रू इस जगह पे है, तो चलिए मैं इस जगह पे खोल लेता हूँ ये छह स्क्रू। देखिए अब इस वीडियो की यदि देख लेंगे ना, तो कहाँ गया ये, ओह मैग्नेट पर चिपक गया क्या, कोई बात नहीं। तो इसको मैं निकाल ही लूँगा, तो इस पे दो जो है, तो इस पे दो ही स्पीकर लगे गए हैं, ठीक है। तीन लोगों को इस जगह पे नहीं हो रहा, इसको देखते हैं। मतलब ये जो रिपेयर किया गया है एक दो बार, ठीक है। तो कहाँ कैसे मैंने पता चलता, जैसे देखिए ये जो स्क्रू है ना, इस पे हम लोग का, तो हम लोग देखिए चार पांच जो स्क्रू है हम लोग का सेम ही है, कितना हम लोग का एक स्क्रू इस जगह पे सेम तो है ही, ठीक है। कितने हम लोग का, ये हम लोग का जो ऊपर का जो कवर जो अच्छा सा जो पकड़ पाता ना, वही हम लोग का नहीं है, ठीक है। देखिए जगह पे ये हम लोग का खुल भी नहीं रहा, देखिए इसका जो माथा है ना, इसका नहीं है आगे, ये नहीं है ये वाला, देखिए ठीक है। ये कहाँ से खुलेगा, हाँ इसको इसको खोलना पड़ेगा इस जगह से, हाँ इस जगह से ही खुला, देखिए ठीक है। तो इसको भी सेम ही करके खोलना पड़ेगा, तो बहुत छोटा स्पीकर इस जगह पे लगे गए हैं, ठीक है। इसको स्क्रू जो है ना, तो मैं एक साइड पे रखता हूँ, तो इसका सर्किट मैंने निकाल लिए हैं। ओ ये क्या है, ये बैटरी है ना, कैपेसिटर है ये, ये 3.7 वोल्ट इस जगह पे लिखे है। मतलब ये हम लोग का देखिए कैपेसिटर मतलब देखने वाला है, ठीक है। इस जगह पे देखिए तो ये मतलब आपको कैपेसिटर जितना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का कैपेसिटर है नहीं, लेकिन है नहीं, तो भी आपको दिखाऊंगा कि इस पे है क्या। ये मैं तो बैटरी की तरफ नहीं लग रहा ये देखने पर, ठीक है। जो नया मैकेनिक है ये आपको पता करेगा कि ये बोलेगा कि ये हम लोग का कैपेसिटर है, तो वो तो इस जगह पे देखिए ये जो बैटरी का जो प्लस है, बी प्लस और बी माइनस इस जगह पे लिखे गए हैं, मतलब ये हम लोग का बैटरी है, ठीक है। इसे वोल्टेज है, देखते हैं थोड़ा, नहीं इस पे हम लोग का कोई भी वोल्टेज है नहीं। मतलब इस जगह पे देखिए क्या बैटरी यदि रहता तो ये हम लोग का डेट पर गया है, कि
हम लोग का ये कैपेसिटर के जितना दिखाई दे रहा है कैपेसिटर का मतलब, ठीक है। देखिए और भी मैं कैपेसिटर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ई जो कैपेसिटर है, देखिए ई जगह पे, ठीक है। तो इसका जो ऊपर का जो है ना प्लस का जैसा इस जगह पे निशान, कोई सा भी जो ओरिजिनल जो कैपेसिटर है ना उस जगह पर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग का जो लोकल मार्कर का है कैपेसिटर, ठीक है। तो इस जगह पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं देखिए इस जगह पे मैं थोड़ा चेक करूँगा कहाँ से। देखिए इस जगह पे मैं देखिए चार्जिंग जो इस जगह पे पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। इस जगह पे हम लोग का जो बैटरी पे हम लोग को वोल्टेज बन रहा है ना, वही आपको देखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सही स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये लूज के कनेक्शन भी कोई बात नहीं। तो देखिए ये जो अब वो बी माइनस अब जो बी प्लस जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जगह आपको चेक करना कहाँ, ये जगह पे वोल्टेज, ठीक है। ये जगह पे हमको वोल्टेज कोई भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये कहाँ से है, ये जगह पे एक बैटरी का, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्राउंड के लिए है, ये जगह पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये जगह पे कहाँ सा रहा, वो एक ये जगह पे जीना ड्राइवर ये जगह पे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए इस जगह पे देखिए मतलब इस जगह पे हम लोग जीना डाइवर्ट जो है ना, तो हम लोग का जीना डाइवर्ट से हम लोग का वोल्टेज इस जगह पे जा रहा है बैटरी पे, ठीक है। तो ये जगह पे हम लोग का जीना डाइवर्ट हम लोग का शॉर्टिंग भी हो सकता है, शॉर्ट तो नहीं है, ये हम लोग का ख़राब हो चुका है जो जीना डाइवर्ट। देखिए इस जगह पे इस साइड हम लोग का वोल्टेज, देखिए इस जगह पे हम लोग का सॉरी हाँ इस जगह पे देखिए वोल्टेज हम लोग का है, ठीक है। देखिए मल्टीमीटर पर फोकस कीजिए, लेकिन इस जगह पे देखिए इस साइड से हम लोग का वोल्टेज जा रहा है, इस साइड हम लोग का वोल्टेज नहीं आउटपुट कर रहा है। देखिए जो जीना डाइवर्ट पर, ठीक है। तो हम लोग का हो सकता है, ये हम लोग का ये भी ख़राब हो सकता है, ठीक है, जीना डाइवर्ट का। तो इस जगह मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर का, देखते हैं इस हम लोग का जीना डाइवर्ट के ख़राब है। तो ये आपको जैसे आपको डायोड चेक करना है, आपको वैसे ही आपको जीनर भी चेक करना है, ठीक है। इसमें हम लोग का लाइट आ रहा है, किंतु कोई भी वैल्यू इस जगह पे है नहीं, मतलब इस जगह पे देखिए, ठीक है। तो एक साइड आपको वैल्यू आना चाहिए था और एक साइड वैल्यू आना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आपको इस जगह पर जो जीनर है ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो ये जो जीनर है ये हम लोग का 5 वोल्ट का जीनर है, ठीक है। तो इस जगह पर दिया गया है 5 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो इस जगह पे जो जीनर है आपको सबसे पहले इस जगह जीनर को निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको देखना पड़ेगा इस जगह हम लोग का वोल्टेज जा रहा है ना, ठीक है। तो जब भी हम लोग का जो देखिए बैटरी का जो नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज नहीं और मतलब इस जगह पे इनपुट करेंगे, ठीक है, बैटरी पे, तो इस जगह पे ये ख़राब हो चुका है। तो इसको सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपको। और देखिए एक मैं कारण इस जगह पे देखिए वोल्टेज आउटपुट मतलब इनपुट करना चाहिए, ठीक है। इस जगह पे वोल्टेज इनपुट यदि नहीं करेगा, ठीक है, इस जगह पर हम लोग का बैटरी भी चार्ज नहीं होगा। देखिए कहाँ से आ रहा है, देखिए मैं 5 वोल्ट इनपुट दूंगा इस जगह पे जो चार्जिंग जैक पे है, ठीक है। इस जगह जो चार्जिंग जैक पे हम लोग का एक देखिए एक हम लोग का जीनर लगा है, जो जीनर के थ्रू एक हम लोग का 5 वोल्ट देखिए प्लस जा जाएगा, 5 वोल्ट इस जगह पे प्लस पे जाएगा, ठीक है। और प्लस पे जाके हम लोग का कोई सा भी स्विचिंग होगा हम लोग का इस जगह पे जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग चल जाएगा, ठीक है। हम लोग का जो ये हम लोग का ऑन होने पर ये हम लोग इस साइड ऑन होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इस जगह पर मैं बाद में देखूंगा। इस जगह पे आपको 5 वोल्ट आना चाहिए, तब जाकर हम लोग का जो बैटरी है हम लोग का चार्ज हो पाएगा। तो इस जगह पे हम लोग 5 वोल्ट आ ही नहीं रहा, तो हम लोग का बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस जगह पे जो जीनर है तो इस जगह पे तो जीनर को निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस जगह पे देखना पड़ेगा हम लोग का फिक्स काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा इस जगह पर पेस्ट लगा के इस जीनर को मैं निकाल लेता हूँ इस जगह से, ठीक है। तो ये रहा जीना, ठीक है, देखिए। तो इसको एक साइड रखते हैं आपको, ठीक है, और इस जगह पे दूसरा जीनर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का SMD वाला जीनर था, और इस पे आपको कोई सा भी जीनर लगा लेना है, कि हम लोग का 5 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको। तो दोस्तों देखिए मैंने इस जगह पे 5 वोल्ट का जो जीनर है मैंने इस जगह पे ले लिए हैं, ठीक है। देखिए आप दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए मेरे हाथ पे है, ठीक है। तो इस जगह पर आपको एनोड और कैथोड का हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। तो आपको कैसे लगा सकते हैं, देखिए इसको मैं इस जगह पे तो फिक्स कर लेता हूँ,
तो इसको मैं थोड़ा बेंड करूँगा, बेंड करके अभी जगह पे लगाऊँगा। देखिए कैसे लगाऊँगा, आप जगह पे देख सकते हैं। ये रहा एक साइड हो गया, ये रहा दूसरे साइड भी हो गया, ठीक है। देखिए तो इसको मैं इस साइड से लगाऊँगा जिन हम लोग का, ओह सॉरी, ये हम लोग का एनोड और कैथोड के साइड से ही रहेगा, ठीक है। देखिए तो मैं इस जगह से ऐसे करके लगाऊंगा, ठीक है। ये फिक्स भी नहीं हो रहा सही से हम लोग का जो बैट। तो इस जगह पे देखिए मैंने जिन इस जगह पे लगा भी दिए हैं, ठीक है, इस जगह पे देख सकते हैं। देखिए तो मैंने कैसे लगाया, इधर से देखिए, ये हम लोग का देखिए कैथोड की साइड है, ये हम लोग का एनोड की साइड है, ठीक है। तो कैथोड और एनोड मतलब हम लोग का एनोड के साइड से हम लोग का 5 वोल्ट इनपुट जाएगा, और जो कैथोड है हम लोग का 5 वोल्ट आउटपुट जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं, तो इस जगह पर हम लोग को देखिए काला पट्टी इस जगह पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस जगह पर आपको सबसे पहले हमको थोड़ा चेक करवा देता हूँ, इस जगह पर हम लोग का हुआ है ना नहीं, ठीक है। हम लोग इस जगह पर 5 वोल्ट नहीं आ रहा था, तो अभी आ रहा है ना नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं इस जगह पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए तो इस पर मैंने सप्लाई दे दी है, तो इस जगह पर आपको थोड़ा मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। एक आपको ग्राउंड पे रखने से हम लोग का काम चल जाएगा। हाँ अब देखिए इस जगह हम लोग का 5 वोल्ट हम लोग का आ रहा है प्रॉपरली। देखिए अब इस जगह पर देखिए ये भी हम लोग का ऑन भी हो गया, ठीक है, ये हम लोग का ऑन भी हो गया। देखिए अब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑन भी हो गया, क्या बोले, ये हम लोग का ऑन है ना, तो इसको ऑफ करते हैं। ये हम लोग का ऑफ हो गया, इसको फिर दोबारा से ऑन करके देखते हैं। हाँ ये हम लोग का ऑन हो गया, देखिए प्रॉपरली ऑन हो गया, ठीक है। देखिए तो अब देखते हैं दोस्तों इस पर हम लोग का बैटरी पे कितना हम लोग का चार्ज हो रहा है ना नहीं, वो आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस जगह पे देखता हूँ। तो इसको मैंने निकाल दिया है, और इस जगह पे मैं थोड़ा वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, ये हम लोग का वोल्टेज बन रहा है ना नहीं, ठीक है। वोल्टेज तो बन रहा है, कि हम लोग का ये वोल्टेज जो है ना बैटरी पे हम लोग का देखिए ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज। तो इस जगह पे देखिए सर हम लोग का जो 0 था, ठीक है, इस जगह पे मैं मान के चलिए 10-15 मिनट इसको चार्ज दे के देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग का ऑन नहीं होता, इस जगह पे अभी देखते हैं हम लोग का क्या ड्रॉप हो गया क्या, मैंने इसको ऑन किया तो। हाँ ये मैंने इसको ऑन किया तो बहुत सारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए, तो ये हम लोग 1 वोल्ट पे नहीं चलने वाला है, कोई बात नहीं। तो इसको आपको मान के चलिए देखिए 10-15 मिनट आपको चार्ज दे के देखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम लोग का ये हम लोग का ऑन हो रहा है ना नहीं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इसको मैं 10-15 मिनट इसको थोड़ा मैं ऐसे ही रखने दूंगा, ठीक है, ये हम लोग का चार्ज होने दूंगा इसको। तो इस जगह पे थोड़ा 10-15 मिनट चार्ज हो जाएगा, तब जाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस जगह पे 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, 10-15 मिनट हो गए। तो अब इस पे देखेंगे हम लोग का इस जगह पे वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे वोल्टेज तो हम लोग का हो जाएगा, तो इस जगह पे आपको थोड़ा जगह पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए मान के चलिए 1 से 2 घंटा आपको इस जगह पे चार्ज देना पड़ता है, ये जो बैटरी है, ठीक है। तो मैं इस जगह पे थोड़ा आपको चेक करके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेक करूँगा इस पे तो हम लोग का इस जगह पे वोल्टेज टिक ही रहे हैं नहीं। ये हम लोग का यदि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे तो इस जगह पर आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए नहीं, ये बहुत वोल्टेज कम ड्रॉप हो रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस जगह पर आपको सिर्फ मैंने इसके 10 मिनट ही चार्ज में दिया है, ठीक है। तो आपको 1 से 2 घंटा आपको चार्ज देने से ही हम लोग का चार्ज हो सकता है, लेकिन ठीक है। तो इस जगह पर मैं सर आपको इस जगह पर ऑन करके दिखाता हूँ, ये हम लोग का ऑन हो रहा है नहीं, ठीक है। देखिए तो देखिए इस जगह हम लोग का कैसा आवाज़ सुनाई दे रहा है इस जगह पे देखिए, ठीक है। देखिए ये हम लोग का जो बैटरी है ना, ये जगह हम लोग का एम्पियर नहीं है इसलिए, ठीक है। देखिए मैंने इसको ऑन किया तब आपको कैसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग का बैटरी डाउन पड़ गया, तो हम लोग का बैटरी से। तो देखिए इस जगह पे देखिए जो बैटरी, ये हम लोग का डैमेज हो चुका है जो बैटरी का, ठीक है।
तो इसकी जगह पे आप कोई सा भी बैटरी लगा सकते हो, जो लिथियम बैटरी है ना, अभी मार्केट पर आसानी से मिल भी जाएंगे आप 30 से 35 रुपये पे, ठीक है। किंतु हम लोग का वो बैटरी आप फुल लिथियम जो बैटरी आसानी से इस जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस जगह पे देखिए जो बैटरी है, इस जगह पे तो बैटरी तो डाउन हो चुकी है, तो अब इस जगह पे लिथियम आयन बैटरी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी मैंने कहाँ से निकला है दोस्तों, देखिए आपको मैंने बोला ना 30 से आपको 35 रुपये पे जो बैटरी यहाँ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। किंतु लेकिन ये मिलेगा कि हम लोग का जो लोकल वाला मिलेगा, ठीक है, ये जो लोकल मार्केट पर जो बैटरी मिलता है ना, मिलेगा कितना, 1000 mAh का, 1200 mAh का, इतना ही। किंतु मैंने इसको कहाँ से निकला, ये हम लोग का पावर बैंक व अब लैपटॉप की बैटरी भी उस जगह पे निकाल सकते हैं जो पुराना है, ठीक है। तो हम लोग का सीरीज पे कनेक्शन रहता है और पावर बैंक पे तो आपको पैरेलल पर कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो वही बैटरी है, तो इस पर हम लोग का जो एम्पियर ज़्यादा है, इस पर हम लोग का चार्ज भी अच्छा खासा टिक पाएगा इस जो इस पर, ठीक है। तो इस जगह पे देख मान के चलिए इस पर 2 2 घंटे जा रहा था, इस पर हम लोग का 4 घंटे से 5 घंटे आसानी से चल जाएगा, ठीक है, इस बैटरी से, जिसका हम लोग का एमएज भी और एम्पियर भी ज़्यादा है इसको। तो चलिए इस जगह पे मैं इस जगह से निकाल लेता हूँ इसको। देखिए ये हम लोग का कैपेसिटर का मतलब दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का मान के चलिए ये कैपेसिटर ही है, ठीक है। अब इस जगह पे मैं एक इसे मैं यूट्यूब पे एक ना पोस्ट करूँगा, ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक साइड रखता हूँ बैटरी को, इस जगह से नेगेटिव और पॉजिटिव मैं इस जगह पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ इस बैटरी पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस जगह पे देखिए, ये हम लोग का इस साइड हम लोग का पॉजिटिव है और इस साइड हम लोग का नेगेटिव, तो मैं इस जगह पे सोल्डरिंग कर लूँगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस जगह पे सोल्डरिंग कर ही लेता हूँ, देखिए ठीक है, एक साइड हो गई ये, हाँ ये हम लोग का सोल्डिंग असर से पकड़ जाएगा इस जगह पे। अब इस जगह पे इसके ऊपर पे सोल्डिंग करके आपको इस जगह पे टेपिंग भी कर सकते हैं, टेपिंग, ठीक है, टेप भी कर सकते हैं, बार टेप नहीं लगाने से भी काम चल जाएगा। तो मैं इस जगह पे टेप लगा लूँगा, ठीक है, क्यों लगाऊँगा दोस्तों वो पता बाद में पता चल जाएगा। देखिए वाह, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे मैं कैसे टेपिंग करूँ, ऐसे देखिए इस जगह पे बीच में मैं टेप करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस जगह पे मैं टेप कर देता हूँ। मैंने इसको किया क्यों किया दोस्तों, देखिए इस जगह पर जो वायर है ना, तो इसको हम लोग का जो हिलने से हम लोग का ये हम लोग को वायर नहीं इस जगह पे निकलेगा, देखिए ठीक है। तो इस जगह पे मैं थोड़ा पेस्ट लगा लूँगा दोबारा से, और नेगेटिव कर पॉजिटिव के द्वारा इस जगह पे सोल्डिंग भी कर लूँगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ये हम लोग का इस साइड हम लोग का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जगह पे पॉजिटिव आपको इस जगह पे इस जगह पे भी दे सकते हैं, बार नीचे से भी मैं इसको नीचे से दूंगा। चलिए तो इसको मैं इस जगह से निकाल लूँगा सब, तो इसको हो गया, तो इसको मैं नीचे से ही दूंगा इन लोगों का। अंदर साइड भी नहीं जा रहा ये, देखिए अब इस जगह पे देखिए, तो इस जगह पे मैं सॉरी इस जगह पे थोड़ा, हाँ अब जाके हो गई, कोई बात नहीं। तो इस जगह पे आपको ऊपर फिर देने से कोई भी दिक्कत नहीं है, कि ना आपको थोड़ा जो स्विच स्विच जो है ना, इसको थोड़ा आपको अच्छा से लगाना पड़ेगा, तब देखिए हम लोग को कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक साइड हम लोग का ये हो गया, और इस पे देंगे इसको, ये हो गया, ठीक है। देखिए तो इसको ऑन करके देखते हैं, हाँ नहीं इससे भी सेम कंडक्शन है, देखिए
बैटरी चार्ज रहने पर भी ऐसा हम लोग का हो रहा है कि, इस पर थोड़ा मैं चार्ज दे के देखता हूँ हम लोग को बैटरी का प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें भी, थोड़ा चार्ज भी कम मैंने इसको। इसमें हम लोग का थोड़ा चार्ज भी कम है देखिए इसलिए, ठीक है हम लोग का थोड़ा चार्ज होने देने से वेस्ट होगा सबसे पहले, कोई बात नहीं तो इसमें मैं बाद में ही चार्ज कर लूँगा। चलिए इसको निकालते हैं, तो करते हैं इसको ऑफ। तो इसको फिक्स कर देंगे अब, ये हो गया इससे, ठीक है। देखिए तो इस जगह पे तो हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा इससे, देखिए ये कहाँ, हाँ ये स्पीकर इस जगह पाएगा और ये स्पीकर इस जगह पे रहेगा। तो इसको मैं इसको इस स्क्रू को जो है तो इसको निकाल देता हूँ, और इस जगह पर को जो डबल टेप है ना तो इस जगह को चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हम लोग अच्छे से बैठ जाएगा ये। देखिए तीजी पे सबसे पहले मैं जी पे डबल टेप से दोबारा मैं चिपका लेता हूँ। चलिए तो मैं बैटरी पे ही चिपका लेता हूँ, इसे सबसे बेस्ट होगा। अब बैटरी इस जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा तो सबसे पहले मैं इस जगह पे थोड़ा चेक कर लेता हूँ ये हम लोग आसानी से बैठ रहा है ना नहीं, ठीक है। इस तो नहीं, जो आएगा इस सेट से आएगा। अब जाके हुआ इस पे, अब देखिए इस जगह पे बैठ गए पॉपुलरली, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए बैटरी तो इस जगह से हम लोग का हिलेगा ही नहीं, वो सॉरी इस जगह पे थोड़ा इस साइड हम लोग का बैटरी आने वाला है। हाँ अब देखो बैठा ये देखिए। चलिए तो इस जगह पे मैं थोड़ा इसे टाइट कर लेता हूँ सब स्क्रू, जितना सारे स्क्रू इस जगह पे है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस जगह पे मैं सिर्फ इस जगह पे और स्क्रू लेते हैं इस जगह पे, और स्क्रू है ये रहा स्क्रू। अब जाके बैटरी इस जगह से हिलेगा नहीं अब, इस जगह से देखिए छह स्क्रू है ना, थोड़ा लेट लगेंगे ही, ठीक है लगाने से। ये रहा हो गया, ठीक है। देखिए तो ये कहाँ गया स्विच इसका, तो इस पे थोड़ा चार्ज कम है इसलिए हो रहा है ऐसा, ठीक है। इस तो इस जगह पे भी मैं इसको तो मैं 1 से 2 घंटा पर चार्ज पे रखूँगा ही, तब जाके इसको कस्टमर को दूंगा, ठीक है। चलिए इसको जो ऊपर का ढक्कन जो है तो इसको लगा लेते हैं। देखिए ठीक है,
तो चलिए इससे आज की वीडियो इतनी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब है, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है।